वेलकम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो। और जैसे कि थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए हो कि मैं आज किसका रिव्यू देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है टू आई शेडो पैलेट्स, और ये टू आई शेडो पैलेट्स है मेरे पास, ये देखिए, ठीक है, ये टू आई शेडो पैलेट्स है। और एक जो मेरे पास है वो है स्विस ब्यूटी का ब्रॉन्जिंग पैलेट, ठीक है। ये इनका जो है मैं अभी आप लोगों को रिव्यू प्लस स्वॉचेस दिखाने वाली हूँ। एक ही वीडियो में तीन चीज़ ऐड कर रही हूँ, नहीं चाहती अलग अलग वीडियो बनाना इसी वजह से, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसकी पैकेजिंग रिव्यू। मेरा जो रिव्यू है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इसे पहली बार यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो आप लोग इसे कलर्स देख लीजिए, इससे आप बहुत अच्छे अच्छे आई शेडो ट्यूटोरियल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कैमरा जो है वो कैच नहीं करता है। मैं अभी यहाँ पे आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगी, अगर अच्छी पिगमेंटेशन मतलब अच्छे से नज़र आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बैक कैमरे से दिखाऊँगी, ठीक है। ये कलर्स अब मैं स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले फर्स्ट रो से। तो ये वाला जो कलर है इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, ये देखिए, एक सेकेंड। सो सबसे पहले जो है मैंने ये वाली कलर को ये किया है अपने फिंगर पे, ये देखिए, एकदम सरप्राइजिंग है मेरे लिए। देखिए कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन है आपको यहीं पे नज़र आ रही है, कैमरा कैच कर रहा है। तो थैंक यू सो मच मेरे कैमरे जी कि आपने कैच कर लिया। और मैं यहाँ पे जो है आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन है यार। देखिए एक ही जो मैंने ऐसे जो लगाया है अपने हाथों पे, आप देख सकते हो पिगमेंटेशन। चलिए मैं सारे जो है यहाँ हैंड पे स्वैच कर लेती हूँ और एक और आप लोगों को दिखा देती हूँ फिर भी कोई सा कलर। तो हम लोग जो है ना ये येलो कलर को देख लेते हैं एक बार, है इसका मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी, ये देखिए बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है यार सच में, ये देखिए। हालांकि इस पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं भी सबसे जो 16 कलर्स इसमें दिए हैं वो सारे के स्वॉचेस दिखा देती हूँ, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना करते हो। चल ये देखिए, ये पर्पल, रेड, पिंक, येलो और बाकी जो यहाँ पे छोटे छोटे जो यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिली इस वजह से काफ़ी पिगमेंटेड है, ये देखिए काफ़ी पिगमेंटेड है यार। इतनी मतलब सस्ते में 200 रुपये में इतने सारे कलर्स है और सारे पिगमेंटेड है। सिर्फ थोड़ा सा जो है येलो कलर जो है ना, एक हल्दी कलर टाइप बोल सकते हो, ये एकदम प्योर येलो कलर नहीं है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए। और इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, येलो कलर से थोड़ी सी नाराशी मतलब उदासी हुई है, नाराशी बोल रही थी सॉरी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हल्दी वाला येलो है, मुझे वो वाला येलो कलर चाहिए था। बट बाकी कलर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, बहुत ही पिगमेंटेड हैं। सो आप इसे खरीद सकते हो, मैं इसे बिल्कुल रेकमेंड करूँगी, 200 में ये बेस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटर। एंड हाँ, मैं वहाँ पे एक चीज़ ऐड करना थोड़ा सा भूल गई, मैं आपको ये बता दूँ कि इसका ज़्यादा फॉल आउट नहीं है, क्योंकि मैंने जब एक बार इसे अपने हाथ पे प्लेस किया है इसका फॉल आउट नहीं है ज़्यादा, आप देख सकते हो, ठीक है। ये उसके लिए था, हिलेरी रोडा के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताना भूल गई थी इसी वजह से। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आई शेडो की तरफ, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का। यह मुझे 500 का मैंने इसे परचेज किया है, और ये जो है रोज़ इन दी एयर वाला पैलेट है, ठीक है। और इसमें आपको टोटल टैन कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो ऊपर है आपको ट्रांजिशन कलर्स मिल जाते हैं, और यहाँ सारे आपको मतलब दो शिमर कलर्स हैं, बाकी सारे मैट हैं, ठीक है, बाकी सारे मैट हैं। तो मैं यहाँ ओपन करके दिखाती हूँ, इसमें भी कोई आपको मिरर नहीं मिलता है,
ठीक है, ये ट्रांजिशन से शेड्स हैं, ये ऊपर वाले, और यहाँ पे है ये शिमर है एक, ठीक है, और एक ये जो है ना ये भी शिमर, इसे आप हाईलाइट की तरह यूज़ कर सकते हो, एज अ कॉन्टोर यूज़ कर सकते हो। एक ही पैलेट से आप बहुत सारी इसके यूजेस बहुत है, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो चलिए स्वाचेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं ये वाला जो मैट कलर है, पिंक, पिंकिश टाइप का ही कलर है, डार्क पिंक, तो इसका देख लेते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए, पिगमेंटेड है। तो अगर मैं पहले ही आपको बता दूं, सारे कलर्स पिगमेंटेड हैं, बस ये जो ये वाला कलर है ना, ये उतना पिगमेंटेड नहीं लगा मुझे पर्सनली। अब किसी और को लगता तो होगा, वो नहीं पता। बाकी मैं यहाँ पे आपको स्वाचेस दिखा देती हूँ। ये देखिए स्वाचेस देख सकते हो आप, ये वाला कलर पिगमेंटेड है, और है पिगमेंटेड कलर्स, ये ज़्यादा कैच नहीं कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसका फॉल आउट बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, ये शिमर वाला कलर है एक ठो, और यहाँ पे ऑरेंज टाइप का कलर है, थोड़ा सा ब्राउन, सॉरी ब्राउन। एंड ये जो मैं जिसकी बात कर रही थी, आप देख सकते हो पिगमेंटेड नहीं है, जिसको मैंने कहा, बाकी कलर्स पिगमेंटेड हैं, ठीक है। तो अगर मुझसे आप पूछोगे तो खरीद सकते हो, आप खरीद सकते हैं वो आप लोग इसे, अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो अच्छा है। मैं इसके साथ एक लुक क्रिएट करूँगी जल्दी, तब और अच्छे से पता चलेगा कि ये कैसा है। बट मुझे अभी इसका रिव्यू देना था, पिगमेंटेशन बतानी थी, तो आप खरीद सकते हो। तो प्राइस वाइज थोड़ा सा हाई है, प्राइस थोड़ा सा हाई है मेरे अकाउंट, मतलब वैसे ये कंपनी का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली सी बात है रहेगा ही। सो चलिए, ये था मेरा रिव्यू, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी हमारे प्रोडक्ट की तरफ। सो यहाँ पे जो है आखिरी जो हमारा प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी का ये ब्रॉन्जिंग पैलेट। इसमें आपको ब्रॉन्जिंग ब्रॉन्जर कलर मिल जाता है, एक हाईलाइट कलर मिल जाता है, और एज अ ब्लश भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, इसमें शायद 4-5 शेड्स अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर लेना। और इसका अगर शेड नंबर की मैं बात करूँ तो ये है 01, ठीक है, 01 है ये। और इसकी प्राइस थी मुझे 450 में समथिंग मुझे रिसीव हुई है, ठीक है, ये थोड़ा कॉस्टली है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। इसमें आपको तीन कलर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइट कलर है, ये है ब्रॉन्जर, ब्रॉन्जिंग के एज अ कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हो, और ये ब्लश, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पिगमेंटेशन, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो आप इसे, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। ये देखिए, मैं आपको कहाँ स्वॉच करके दिखाऊँ, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे है, वो है ये वाला, ठीक है। ये तो मैं स्वॉच करके दिखा देती हूँ एक बारी, ठीक है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, ये देखिए, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। और सेकेंड वाला जो है ये एज अ कॉन्टोर और ब्रॉन्जर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। इसका भी पिगमेंटेशन देख लेते हैं जल्दी से, ये देखिए, ओ माय गॉड, ये फर्स्ट कलर है ये वाले में, और ये सेकेंड है, ये देखिए, इसका भी स्वॉच देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर है यार, ये देखो, दिख गया आपको। एंड जो थर्ड है एज ए हाईलाइटर, आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये वाला कलर है एज ए हाईलाइटर, यूज कर सकते हो आप इसे। वहां पे इसकी पिगमेंटेशन तो आप देख ही लो, ये देखो कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड है, बाप रे। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए हाईलाइटर, तो बाप रे, आप देख सकते हो। आई होप कि आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको करना क्या है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर देना अच्छी लगी होगी वीडियो। और हमें सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए, और इसी तरह
प्यार देते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना ताकि फ्यूचर की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।